लखनऊ के मोहनलालगंज हाईवे पर 24 घंटों में सैकड़ों की संख्या में ओवरलोड वाहन निकलते हैं, जिससे राहगीरों पर जान का खतरा लगातार बना रहता है। वहीं आज यूकेलिप्टस से लदी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली एक निजी अस्पताल के सामने पलट गई, जहां शुक्र है कि कोई ट्रॉली के नीचे नहीं था, वरना वो अपनी जान गवा बैठता। जिम्मेदारों की आंखें इतनी बंद है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में ओवरलोड गाड़ियों पर अंकुश लगाने की जगह उन्हें निकलने देते हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं इसके बाद पुलिस प्रशासन की मदद से जेसीबी बुलाकर ट्रैक्टर ट्रॉली को व लकड़ी को किनारे करवाया गया और यातायात सुचारू हो सका। तो वहीं मोहनलालगंज में कोरोना काल के बीच सभी नियमों का पालन करते हुए संपूर्ण समाधान तहसील दिवस मनाया गया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी विकास कुमार सिंह, मोहल तहसीलदार संदीप त्रिपाठी, नायब तहसीलदार मनीष त्रिपाठी, बीडीओ अजीत कुमार सिंह, पुलिस प्रशासन के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही मोहनलालगंज खंड विकास कार्यालय में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की चाबी वितरण समूह को आरएफ रिलीविंग फंड CIFVRF क्रेडिट लिमिट का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह, मोती सिंह आनंद, स्वरूप शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समूह की महिलाओं के द्वारा स्वरोजगार आत्मनिर्भर के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में क्षेत्र से महिलाएं आमंत्रित की गयी। साथ ही महिलाओं के द्वारा स्टॉल लगा अपने द्वारा बनाए गए सामग्री का प्रचार प्रसार किया गया। इस मौके पर क्षेत्र से काफी संख्या में लोग व महिलाएं मौजूद रहे। लखनऊ के मोहनलालगंज से केकेडी न्यूज संवाददाता धीरज तिवारी की रिपोर्ट।